स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे जिसने ओवरऑल FDRD के कंपैरिजन में 4 गुने तक रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। इसने ओवरऑल 19.94% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में भी इस फंड ने बेहतरीन रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं 20.64% के। पिछले 3 साल में भी इसने 35.44% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में 30.72% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों ये है एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिसका नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड उन फंड हाउसेज में से आते हैं दोस्तों जिनको रेटिंग भी 5 out of 5 मिलती है। अभी करंट इस फंड की NAV 44.85 रुपीज़ है। मिनिमम आप इसके अंदर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो ये फंड आपको आने वाले टाइम में कितना रिटर्न प्रोवाइड करा कर देगा, मैं अभी आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, इस फंड के जो मैनेजर हैं, जो इस फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इस पैसे को किन किन कंपनीज़ के अंदर डाइवर्सिफाई करते हैं पहले उनको देख लेते हैं। जैसे कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ICICI बैंक, ABB इंडिया लिमिटेड, डालमिया भारत लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अशोक लेलैंड, सनोफी इंडिया लिमिटेड, भारत फोर्ज जैसी दिग्गज कंपनीज के अंदर ये फंड अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। अब दोस्तों इसके अंदर वैसे तो आप दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी लमसम भी और SIP भी। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का करके इस फंड के अंदर छोड़ देते हैं तो ये फंड दोस्तों आपको कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कराएगा, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे हमने अभी देखा है इसने ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं ऑल ओवर टाइम। तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये हमें 18% के रिटर्न भी दे देता है तो 18% रिटर्न के हिसाब से अगर 10 साल तक हम इस पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 2,61,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 2,11,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके ऊपर मिल चुके होंगे। वैसे दोस्तों आप इस फंड के अंदर पैसा 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या जितने समय के लिए आप चाहें, 1 साल से ज़्यादा उतने समय के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको पैसे में बढ़ोतरी देखनी है, यानी कि आपको कंपाउंड इफेक्ट देखना है, तो फिर आप अपने पैसे को जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दोस्तों फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने 10 साल के टाइम पीरियड में देखा है तो हमें 2,11,000 रुपये के एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम 15 साल की बात करें तो हमारा ये पैसा 5,48,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर और 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था तो फाइनल अमाउंट हमारा 5,98,000 रुपये हो जाता है। सिर्फ 5 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों उतना इंक्रीमेंट देखने को मिला जितना शुरू के 10 साल में भी देखने को नहीं मिला है। अगर हम 20 साल की बात करें तो 20 साल के टाइम पीरियड में जो हमारा 50,000 रुपये है वो बढ़कर 13,70,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 13,20,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे टाइम पीरियड हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पैसे पर कंपाउंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। आप ये 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे की हायर एजुकेशन या आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अगर हम 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 31,33,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 30,83,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुका होगा। इसी तरह से अगर हम 30 साल तक इस 50,000 रुपये को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और 18% का ये फंड हमें रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 71,68,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें 71,18,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा। तो जो हमने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये वो, और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला 71,18,000, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 71,68,000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाता है। अब दोस्तों इस 71,68,000 रुपये में से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा, जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और उसके अलावा और कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है। बाकी फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट दोस्तों आप गिरो या जीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हैं। गिरो किसी भी तरह का कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लेता है, ना ही किसी तरह का कोई ब्रोकरेज लेता है। तो आपको अगर करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक्ड ये दोनों चीज़ें
होनी चाहिए, उसके बाद में आप घर बैठे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जिस फंड के बारे में हमने बात की है, इस फंड का नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसी तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों जीरोधा के अंदर भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है। धन्यवाद।